साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है और ये बात मैंने लाल किले पर से भी कही थी। अब मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, जैसे जल जीवन मिशन। अब हम हमेशा सुनते आए हैं, गांव में, घर में, समाज में, सरकार में, राजनेताओं में, सब में क्या सुनते हैं, हर कोई कहता है जल ही जीवन है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है, पानी की दिक्कत, पानी की कमी, गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आजादी के 75 साल के बाद भी है। किसान को भी, छोटे किसान को खासकर, पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कभी हमारे देश में हमारी माताओं बहनों को, गांव को पानी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करके आगे बढ़ना ये छोटे निर्णय नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं, जिस खाजुराहो की चर्चा करते हैं मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं, वहां की तस्वीर बदलने वाले। पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये आधुनिक युग का एक भगीरथ काम है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, जवान बेटों को शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहकर के मजदूरी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो खुले आसमान के नीचे अपने माँ बाप के साथ रह करके
एक नई जिंदगी का प्रकरण लिखना शुरू कर सकते हैं। घरों में पर्याप्त पानी आए, खेत में पानी आए,